हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस लेके आए। देखिए, बिहार में आपका 13-14 यूनिवर्सिटी है, मतलब 13-14 के लगभग में है जो बीएड कराती है, समझे। अब देखिए, कुछ चीज़ आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, लेकिन नहीं जानिएगा तो आप ही को दिक्कत है। बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी, देखिए पेपर सब यूनिवर्सिटी में यही पढ़ना है आपको। 7B जो आपका हो गया पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 जो है, C8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम होता है, C9 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, C10 क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, यानी फिर ऑप्शनल पेपर हो गया, फिर आपका EPC, फिर आपका एंट्रेंस, इतना आपको सब यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, समझे। लेकिन सबका सिलेबस अलग अलग है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का सेम है, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी का सेम आपको मिलेगा, JP का और पटना यूनिवर्सिटी का, ये सब का, मौलाना का, ये सब का सेम आपको सिलेबस मिलेगा। मिथिला का अलग सिलेबस है, जो बीएड फर्स्ट ईयर में बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ना है वो मिथिला में सेकेंड ईयर में पढ़ना है। अरे बहुत बड़ा है, देख वीडियो कोई बना देता है, यूट्यूब पर डाल देता है व्यूज के लिए, जो भी चीज़ के लिए, वो तो अलग चीज़ है, सही जानकारी देना चाहिए। वीडियो देख लिए हमारा, वही चीज़ धाकर पढ़ दिए, वो चीज़ नहीं। सिलेबस पहले आप बीएड किए रहिएगा तब ना जानिएगा, सोचिए वीडियो बना दीजिए, ये चीज़ गलत बात है, स्टूडेंट के साथ खेलिए नहीं, जो भी हो। तब देखिए आपका, देखिए जितना भी यूनिवर्सिटी, आप अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस खोल के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बीएड में पास कर जाइएगा वही हो जाएगा, समझे, सीटेटवा नहीं निकलेगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा, जाइएगा फिर दूसरा क्लास करके फिर आपको करना होगा। तो आइए हम आपको सिलेबस थोड़ा बताते हैं। देखिए आपका बिहार यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी, देखिए 3-4 यूनिवर्सिटी का आपका कॉमन मिलता है, बिहार यूनिवर्सिटी, JP, पटना यूनिवर्सिटी और मौलाना यूनिवर्सिटी, एक इसका सिलेबस है, मिथिला का अलग सिलेबस है, फिर आपका मगध यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा का सेम है, आपका BN मंडल हो गया, भागलपुर हो गया, ये सब का थोड़ा सेम है, पूर्णिया का सेम यूनिवर्सिटी मिलेगा आपको, मुंगेर का भी वही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले सिलेबस समझिए, पहले अपना, दूसरे के चक्कर में नहीं रहिए, दूसरा आपको बहुत चीज़ बता देगा यूट्यूब पर बहुत नॉलेज मिलता है, नॉलेज वाला आदमी मिलेगा आपको, समझे, ऐसा बात बता देगा बाद में आप भी भ्रमित हो जाइएगा। तो इसीलिए पहले आप क्या कीजिए, पहले अपना सिलेबस आप अपने से पहले कीजिए, उसके बाद फिर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अभी हम समझाते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना नंबर का प्रैक्टिकल होता है, कितना का थ्योरी होता है। बिहार यूनिवर्सिटी वाले को तो अब तो पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं आ रहा है एग्जाम में, आप देख लीजिए, क्वेश्चन दिखाएंगे आपको 22 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, समझे, हवा हवाई वाला आप काम नहीं चलेगा। अब देखिए कोर्स 7B जो होता है वो आपका मेथड होता है, जो आप बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट में ही मेथड का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में आपका तो लास्ट में हुआ था, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है आपका फर्स्ट में ही क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। और बीएड बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में जो मेथड होगा वही सेकेंड ईयर में, यानी जो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा आपका वही रह जाएगा सेकेंड ईयर में, लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बदल जाता है, वहाँ आपको 2 मेथड लेना, फर्स्ट ईयर में अलग मेथड लेना होगा, सेकेंड ईयर में अलग मेथड लेना होगा, समझे। तो और सब यूनिवर्सिटी में भी चेंज हो जाता है। तो ये आपका 40 नंबर का थ्योरी होता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है 40 नंबर का, और 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल कॉलेज में असाइनमेंट जमा करना पड़ता है, टोटल 50 हो गया। अब कोर्स 8 है नॉलेज एंड करिकुलम, समझे। अब नॉलेज एंड करिकुलम जो होता है आपका, ये आपका होता है 80 नंबर का पेपर, समझे, और इसमें 5 यूनिट पढ़ना है, और 20 नंबर का आपका क्या होता है प्रैक्टिकल होता है, जो असाइनमेंट बोल सकते हैं इसको, असाइनमेंट जमा करना था कॉलेज में, वो प्रैक्टिकल में आपको 20 नंबर में कॉलेज वाला जितना देते, समझे। C9 जो है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, समझे, यानी अधिगम का आकलन इसको बोलते हैं, और ये भी 80 नंबर का है, 20 नंबर का आपका क्या है थ्योरी है, समझे, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, 80 नंबर थ्योरी है। फिर उसके बाद C10 आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है, ये आपका 40 नंबर का थ्योरी होता है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। फिर C11 जो ऑप्शनल पेपर है, तो ऑप्शनल देखिए क्या होता है, इसमें 4-5 सब्जेक्ट है, समझे, आपको जो मन वो ले सकते हैं, समझे। अब कॉलेज वाला क्या करते हैं कि लास्ट में बोलते हैं कि जो मतलब वहाँ पर ज़्यादा जिसका संख्या होता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया या आपका गाइडेंस काउंसलिंग हो गया, यानी जो आपको इच्छा है, ऐसे तो अपने इच्छा से लेना है, लेकिन कॉलेज वाला अपने अकॉर्डिंग भी दिवा जाते हैं, जैसे ज़्यादा संख्या जिसका रहता है, फिजिकल एजुकेशन देखिएगा पूरा कॉलेज कराएगा, तो पूरा कॉलेज का गाइडेंस और काउंसलिंग, उसमें बहुत लोग चेंज भी कर देते हैं, समझे। अब आगे आपका, तो ये भी 40 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, और 10 नंबर आपका, इसमें सबसे हल्का आपका फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होता है, और आपको अच्छा भविष्य में आपको अच्छा काम दे तो गाइडेंस और काउंसलिंग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं।
अब आपका ईपीसी फोर जो है आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये आपका होता है ईपीसी फोर, इसको बोलते हैं। ये आपका पूरी तरह से प्रैक्टिकली होता है, 40 नंबर का 2 कॉपी बनाना होगा समझे, और इसका एग्ज़ाम क्या होता है कॉलेज में ही होगा समझे। अब देखिए अब बिहार यूनिवर्सिटी में तो ईपीसी का एग्ज़ाम तो कॉलेज के टीचर ही लेते हैं, लेकिन पहले आपके एक्सटर्नल आते हैं, लेकिन इंटर्नशिप के लिए आपके एक्सटर्नल आएंगे समझे। अब इसमें आपका जो लेसन प्लान बनता है, स्कूल में आप जाते हैं बहुत तरह का फाइल बनता है, इसमें सबसे ज़्यादा फाइल बनाना है, 250 का समझिए ना, 250 मिल जाता है, 60 को लेसन प्लान बनाना होता है, 20 को लर्निंग प्लान है, TLM है 20, मतलब जितना कॉलेज वाला बोला था बनाना ही है। फिर आपका एक्शन रिसर्च है, केस स्टडी है, मतलब ऑब्जर्वेशन फाइल है, मतलब बहुत तरह का इसमें बनाना है। ये सोचिए 250 नंबर इसको नहीं बोलिए समझे। फिर आपको वो प्रजेंट करना होगा, जब एक्सटर्नल आएगा वहाँ पूछेगा, पढ़ाना होगा, बहुत टफ है समझे। टोटल मिला के आपका बीएड सेकेंड ईयर होता है आपका 650 नंबर का समझे, 650 नंबर का हुआ। इसमें से प्रैक्टिकल आपका होता है 370 नंबर का, कॉलेज अच्छा खासा दे ही देता है, और 280 नंबर क्या होता है आपका थ्योरी होता है समझे। थ्योरी में आप जितना ज़्यादा नंबर लेगा उतना ज़्यादा, इसमें आपका 80% से ऊपर ही आता है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा है और थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल में मिलता ही नंबर अच्छा है, इसीलिए आपको अच्छा नंबर मिलेगा ही, बीएड सेकेंड ईयर में आपको अच्छा नंबर मिलेगा समझे। अब देखिए किसी को सिलेबस चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप ले सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा समझे। 95-76-00-2401 पर आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी बोल दीजिएगा कौन यूनिवर्सिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, नहीं तो पता चलेगा हम आप मिथिला के, हम दे दिए बिहार के, पता चला कि बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ना है CET में कुछ अलग, उसमें पढ़ना है BEd फर्स्ट ईयर का, बस तैयारी हो जाएगा, एक बार में सब तैयारी हो जाएगा, तो थोड़ा समझना होगा आप समझे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा समझे। और किन्हीं को नोट्स चाहिए तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा समझे, आपको बहुत कम में नोट्स मिल जाएगा समझे। वीडियो तो हम सब डाल ही दिए आपको, वीडियो से ही पढ़ते हैं, यूट्यूब पर इतना वीडियो डाल दिए हैं आप, उतने पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर आ जाएगा समझे। और किन्हीं को जल्दी नोट्स चाहिए तो कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं, इतना कम रुपया है कि आप कर सकते हैं समझे। तो आप देख सकते हैं, वीडियो देखिए, पेमेंट कीजिए, जो भी कीजिए पढ़िए लेकिन समझे। और ये चीज़ हो गया, तो थैंक यू।